नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छोटा नागपुर पियानो में हार्दिक स्वागत है। झारखंडी जोहार है। तो दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कोड से रिलेटेड, कि आप कोई भी गाने में, कोई भी धुन में कोड आप कैसे फाइंड करेंगे और कोई भी गाने में, कोई भी धुन में कोड लगा के आप लोग कैसे प्ले कर पाएंगे। लेकिन उसी में से मैं कुछ बात ऐसा था, कुछ ज़रूरी बात ऐसा था जो कल का वीडियो मैंने नहीं बता पाया, भूल गया था। तो आज वही चीज़ को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है और ये इम्पोर्टेंट ही है सब लोगों के लिए। तो पहली बात तो ये है कि कोई भी गाने में, कोई भी धुन यदि हम प्ले करते हैं, तो कोड लगाने का देखिए दो तीन तरीका है। पहला तो तरीका ये है कि आपको स्वर का ज्ञान है, तो स्वर ज्ञान के अनुसार आप कोड फाइंड करके आप लगा सकते हैं। दूसरा, आप नोटेशन की सही जानकारी आपको है, नोट्स की आपको सही जानकारी है, या तो नंबर के हिसाब से आप कोड लगा सकते हैं, 158 मेजर के लिए और 148 माइनर के लिए। लेकिन कई बार जो है लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि कैसे गाना को निकाला जाता है, किसको सा मानेंगे, किसको कोमल गा मानेंगे, किसको हम शुद्ध गा मानेंगे। तो ये सब जानकारी बहुत लोगों को नहीं होता है। तो ऐसे परिस्थिति में भी आप कोड कैसे लगा सकते हैं, तो देखिए एक सिंपल सा तरीका है कि आप कोई गाना प्ले कीजिए और डायरेक्ट उसमें सुनिए और देखिए उसमें क्रॉस मैच करके कि उसमें मेजर कोड यूज होता है या फिर माइनर कोड यूज होता है। खुद आप सुनिएगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि सही कोड क्या है। तो जैसे मान लेते हैं एक गाना हम खुद ही प्ले करते हैं, छोटे लाल दा का एक गाना आप लोग सुने होंगे, विशाखापट्टनम वाला, प्यार मुझे सिखा के दिल मुझे लगा के आज तुम जा रही हो। तो इस गाना को हम प्ले करते हैं, हमको भी मालूम नहीं है कि इसमें मेजर कोड लगेगा या फिर माइनर कोड लगेगा। तो प्ले करते हैं, उसके बाद देखते हैं सुन करके कि कौन सा कोड सुनने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, फिर उसी कोड को हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए, तो देखिए गाना जो है इस नोट्स में ख़त्म हुआ, इस वाले नोट में ख़त्म हो रहा है, उसका मतलब कोड यहीं से लगाया जाता है। जहाँ पे गाने के लाइन ख़त्म होता है जिस नोट में, वही नोट से जो है कोड लगाया जाता है। तो हमको मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेजर कोड लगाएंगे, यानी कि 1 5 8 ये। तो फिर से एक बार हम लोग प्ले करते हैं, फिर उसी में लगाते हैं। देखिए अभी जब मैंने मेजर कोड को टच किया, मेजर कोड को मैंने छुआ, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि गाना का लय कुछ और बोल रहा है, गाना का राग कुछ और है, और कोड जो है वो कुछ और बोल रहा है, नहीं अलग अलग है, मैच नहीं कर रहा है, सुनने में अच्छा भी नहीं लग रहा। देखिए सुनने में अच्छा लग रहा है, नहीं अगला, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें मेजर कोड हम लोग यूज करेंगे तो अच्छा सुनने में नहीं लगेगा। तो चलिए अब माइनर कोड हम लोग चेक करते हैं। गाने के अनुसार देखिए, जब हम लोग माइनर कोड को छू रहे हैं, माइनर कोड को हम लोग टच कर रहे हैं, ये तीनों को, तो ठीक से मैच कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इस गाने में जो है आपका माइनर कोड का ही इस्तेमाल होगा। तो इस तरीके से कोई भी गाना या कोई भी धुन आप लोग भी प्ले करेंगे तो उसमें आपको क्रॉस चेक कर लेना है, मेजर माइनर लगा के ऐसे करके हम लोग चेक कर लेंगे, और सुनने में जो बेहतर लगेगा वो आपको लगाना है। तो क्या करना है, 1 नंबर और 8 नंबर, ये 2 नंबर का 2 बटन को टच कर लेना है, फिर उसी में 5 नंबर। तो इस तरीके से जो है कोड को जो है आपको क्रॉस चेक कर लेना है, और जो सुनने में अच्छा लगेगा, मेजर अच्छा लगेगा तो मेजर लगा लेना है, माइनर अच्छा लगेगा तो माइनर लगा लेना है। तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। तो आशा करते हैं आप लोग को इस वीडियो से थोड़ा बहुत जरूर हेल्प मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो छोटा नागपुर पियानो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।